जब लोग सर लगातार आपके ऊपर प्यार दिखा रही है कि हम कांग्रेस से समझौता करेंगे, कांग्रेस से गठबंधन करेंगे, पहले वो कहते थे कि जेल करवाने में उनका आता है, अब वो इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं? मुझे पूछो, मेरे क्या मुझे पूछो भाई, अगर वो गठबंधन के लिए आते हैं तो आप तैयार हैं? हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब देता नहीं, फायदा क्या? लेकिन ये जो बात है उनसे पूछो, क्योंकि उनको एहसास हो गया है कांग्रेस आ रही है। और बता दिया उसके पिताजी भी कांग्रेस में थे, उनका उनका जो ओम प्रकाश जी के ताऊ थे वो भी कांग्रेस में थे, चौधरी साहब राम। हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब नहीं देता मैं, दिस हाइपोथेटिकल और क्या, कोई मुद्दा सामने है ही नहीं, बोला तू सवाल पूछने लग गया बिना मुद्दे। वो तो उनसे पूछ भाई, मैं तो नहीं बोल रहा, मैं बोला हूँ फिर मैं जगह पूछू। आज उतने ही दुखी कांग्रेस से भी है। कांग्रेस से दुखी होने का एक बड़ा कारण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है आज भी भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं। आज भी जैसे बीजेपी उसको संदेश देती है वो उस संदेश को आगे लेकर के चलते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, मैं कल का अखबार पढ़ रहा था, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहा था कि हमारा किसी से कोई समझौता नहीं होगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर मुझे मिले तो मैं तो पूछूंगा ही, आपको मिले तो आप भी पूछना कि क्या कांग्रेस पार्टी का फैसला आप करते हो। कांग्रेस क्या दो तरह की, हरियाणा की कांग्रेस अलग है और केंद्र की कांग्रेस अलग है। राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की, जिन्होंने ये कहा कि मैं सबको साथ लेकर के चलूंगा। हमने तो पहले दिन ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था, आज फिर कर देता हूं कि हम खुद चल करके किसी के पास नहीं जाएंगे कि आप हमारे साथ समझौता करो। कोई अगर हमारे पास आएगा चल करके, या कोई ऊपर के लेवल पे जब इस किस्म की बातचीत होगी उसमें अगर हमें कोई शामिल करेगा, तब हम ये चीज जरूर देखेंगे कि ये हमारे प्रदेश में कितने के हित की बात है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अपने स्वार्थ के लिए आकर के हमारे से समझौता करके कल को प्रदेश का नुकसान करे, हम उस चीज को भी कतई बर्दाश्त नहीं करें। चौधरी देवीलाल का बनाया प्रदेश है। लेकिन हुड्डा साहब से ये जरूर पूछो कि आप जो ये स्टेटमेंट देते हो क्या आपको पार्टी की तरफ से इख्तियार मिला हुआ इस बात का, क्या सोच करके बोलते हो आप? ये भाषा जो बोली जाती है ये भाजपा का डंडा है, ये भाजपा वाले बुलवाते हैं कि आज ये स्टेटमेंट दो आप, तब फिर हुड्डा साहब खड़ा होकर के इस तरह की बात करते हैं ताकि लोगों के अंदर एक वो रहे। खड़ा करके मुझे जेल में डालने का काम किया, अब तो ये प्रचार करते थे कि चुनाल अब जेल में मरेगा, मैं तो उनकी आंखों के सामने जीवित हूं, लेकिन वो लोग आज जेल से डरे हुए सरकार के साथ जुड़े हुए, कांग्रेस पार्टी कोई अलग से पार्टी नहीं है, तो बीजेपी के साथ गठबंधन किए हुए केवल इसलिए भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, वो डर रहे हैं कि अदालत उन्हें जेल करे। ओम प्रकाश चौटाला तो जेल से मरा नहीं, जिंदा है, लेकिन परमात्मा ना करे अगर उन लोगों को देर हो गई तो वो जीवित नहीं बचे, इसलिए जेल से डरे हुए वो सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हुए। हम किसी के विरोधी नहीं, हम तो चाहते हैं कि देश के लोगों को एक अच्छा शासन मिले,